आज तक तुम लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा गेम्स खेलते हुए देखा है, बड़बड़ करते हुए देखा है, और आजकल तो तुम लोगों ने मुझे कुकिंग करते हुए देखा है। पर क्या तुम लोगों ने मेरा सेटअप देखा है? क्या तुम लोगों ने मेरा रूम देखा है? और क्या क्या पता है तुम लोगों को मेरी रियल लाइफ के बारे में? वो बहुत सारे सीक्रेट्स आज के वीडियो में रिवील होने वाले हैं। आज होने वाला है शुरुआत SEO 18 का पहला ब्लॉग सुतार एडिशन। यस, सुतार ब्लॉग इसलिए बिकॉज ना कि मैं तुम लोगों को आज पूरा का पूरा सेटअप दिखाऊंगा जो बहुत ही ज्यादा गंदा मनुस्तिक मतलब बहुत ज्यादा गंदगी है यहाँ पे, पर उसके साथ हम लोग पूरे के पूरे सेटअप को, पूरे के पूरे रूम को कन्वर्ट करने वाले हैं, रीबिल्ड करने वाले हैं। मतलब आज मैं सुतार बनने वाला, ट्रस्ट मी, बिकॉज बहुत ज्यादा वुड वर्क है, बहुत ज्यादा क्लीनिंग करना है और बहुत सारे सीक्रेट्स तुम लोगों को पता चलेंगे। देखते हैं अगर इस ब्लॉग को बहुत ही ज्यादा तगड़ा सपोर्ट मिला तुम लोगों की तरफ से अपने लाइक्स के साथ, अपने कमेंट्स के साथ। तो नेक्स्ट ब्लॉग इसी वीक में आएगा और उसमें मे बी मैं मम्मी को भी लेके आ ही जाऊंगा जबरदस्ती। मुझे ऑलरेडी धमकियां मिल चुकी है खून की, या फिर तुझे खाना नहीं मिलेगा, या फिर तुझे घर से निकाल दिया जाएगा, नहीं तो घर के जो गली का जो कुत्ता है उसका बेटा बन जा तू, या फिर कुछ और। ऐसी बहुत सारी गालियां मुझे मिल चुकी है, तो इसलिए अभी प्लीज जज मत करना। बहुत ही ज्यादा गंदा सा सेटअप है मेरा और बहुत ज्यादा गंदगी है यहाँ पे, तो प्लीज मानने के लिए मत आना। जो क्लीनलीनेस पसंद है अपने घर पे करो, यहाँ पे आके मुझे चक्करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी है मम्मी जो मुझे मर्डर करने के लिए तैयार है। अभी मैं जो दिखाने वाला हूँ वो 5 मिनट के बाद किसी ने कुछ नहीं देखा, ऐसे करने का भाई। सो ये है मेरा सेटअप, मतलब काइंड ऑफ सेटअप, मतलब यहाँ पे हमारा कीबोर्ड, जो सब आई डोंट नो कीबोर्ड को कैसे क्लीन करते हैं, मैं डम हूँ। या हमारा कंट्रोलर, ये दवाइयाँ जो आई गेस और हाफ एन ईयर और मुझे लेनी है बिकॉज मैं कोमा में, तो तुम लोगों को पता ही होगा उसके बाद ये महंगा क्यों गया पे है। मतलब ये समझ रहे तुम लोगों को, यही करना है अभी फिलहाल के लिए। हम लोग को इस टेबल को पूरी तरह से खाली कर देना है और इसको पूरी तरह से अपग्रेड करना है। बहुत सारी सामग्री मैं लेके आया हूँ जिससे हम लोग इसको पूरी तरह से काया पालट करने वाले हैं। जब मैं इस टेबल को बना रहा था ना, अचानक से लॉकडाउन चालू हो गया, तो इसलिए हम लोग ये चादर से इस्तेमाल कर रहे थे, पर चादर इज सो बैड। इसके मतलब चादर की वजह से आधे लोगों को अस्थमा हो जाए भाई, इतना ज्यादा धूल बैठता है इसके ऊपर। So, इसको निकालना है, इसको पूरी तरह से स्मूथ करना है। वुड के अंदर से शक्ल दिखना चाहिए पूरी तरह से, मतलब मानता हूँ मेरी शक्ल बहुत ज्यादा गंदी है पर स्टिल वो दिखनी चाहिए। नमक है बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद नमक, मैं हमेशा खाना खाने के लिए यहाँ पे बैठता हूँ, तो ये सारी चीजें मुझे अभी निकालनी है। और उसके साथ सेकेंड गंदे के लुक एट दिस, अपने पास 2-3 मॉनिटर ऐसे ही पड़े हैं उसके ऊपर एक्सट्रीम लेवल गंदगी है यहाँ पे। ये वाली चीज का बाद में वीडियो आएगा, सॉरी मैं ये दिखा नहीं सकता। ये टीवी है, इसके साथ मेरी बहुत ज्यादा ऑसम पुरानी यादियाँ, यार सॉरी मैन, मैं बहुत ज्यादा गोलियां खाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो टीवी है ये ऑलमोस्ट लाइक मेरे से बड़ा ही, 5-6 साल से। तो ये टीवी के साथ बहुत सारी यादियाँ और बहुत स्टोरी है, इसको बाद में कभी हम लोग बताएंगे। अभी उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीजें मुझे बिकनी है, ये सारी चीजें आज जाने वाली है। मतलब मेरी मम्मी ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मैं अनाथ हो जाऊंगा या फिर कुछ और, ये तो वो अनाथ हो जाएंगे यार। उसके बाद और यहाँ पे तो मैस है ही एज ऑलवेज, पर उसके साथ यहाँ पे भी मैंने सब कचरा भर के रखा है। ये जूनियर चिप का मुझे एक्चुअली चैलेंज करना था पर उसके ऊपर कोई धूल बढ़ गई है, तो ये भी निकालना है। और क्या क्या है मेरे पास, और ये आपने सुजैन, अरे आपने सुजैन ताई, तुम लोगों को पता है सुजैन ताई यूट्यूब की, उसने मुझे ये अवार्ड दिया था, ऐसे ही वो देती रहती है सब लोगों को। कुछ नहीं, इसके कुछ नहीं करना पड़ता भाई, इसको ही फेंको भाई। और उसके बाद ये भी मॉनिटर का ही है, ये बॉक्सेस सारे मुझे क्लीन करने हैं। ये मैंने एक वीडियो में पहना था और उसके बाद मैंने इसका कभी यूज नहीं किया, सो लेट मी नो इसको कब मैं यूज कर सकता हूँ या फिर कुछ और। और उसके बाद ये मिशी, वैसे इसके बारे में तुम लोगों को पता है था, क्योंकि ये मैंने मिशी एक ही वीडियो के लिए यूज की थी, पर इसको लगाना इज सो गुड। पर इसको निकालने के टाइम पे ना बाबा, तूने वो तारक मेहता में भिड़े का एपिसोड देखा जिसके अंदर उसको चिपक जाती है वो पूरी तरह से, इट्स लाइक वो मेरे साथ हो चुका है। यस, मैंने वो अनुभव ले लिया है। और उसके, अरे हाँ, लुक एट दिस, ये रिसेंटली हुआ है लॉकडाउन के अंदर, यहाँ से पता नहीं क्या हुआ पर अचानक से एक दिन यहाँ पे छोटा सा ऐसे लाइन था और अगले दिन पूरा टूट गया। और अभी ये लॉकडाउन की वजह से मैं किसी को बुला भी नहीं सकता जिससे ये रिपेयर हो जाए, पर इसको हम लोग को रिपेयर करना है। ये पोस्टर को हम लोग को निकालना है, ये पोस्टर को भी निकालना है बिकॉज नया गॉड ऑफ वॉर आने वाला है। अरे तुमने पुराना देखा नहीं है तो चिंता करो,
आई नो सब लोग बोलते हैं कि ग्लास क्यों नहीं है इसको, सब लोग बोलेंगे अरे सब क्वेश्चन है इतना गेमिंग पीसी होते हुए भी कुछ मेरे को देखना नहीं है बाबा। मेरे मुझे वो एलईडी वगैरह पसंद नहीं है, मेरे गलती से ये मारा माइक खरीदा है, इसके ऊपर वो लाल कलर का लाइट वगैरह लगता है, पर इट्स लाइक मुझे इतना पसंद नहीं है एलईडी होना, रोशनी मैं बहुत ज्यादा अंधेरे में रहने वाला इंसान हूँ। एंड लाइक बैटमैन, यस बैटमैन मेरे चाची का लड़का है, तुम लोग को पता है क्या, तुम लोग क्या गुंडा बनोगे भाई, वो क्रिप्टॉन का छावा पता है, क्रिप्टॉन में एक छावा है उसको पेलेंगे कभी ना कभी, क्रिप्टॉन के छावे को सारा उसको न्यूटन गिरा था क्या को नहीं है रे, मेरे को इतना मुझे सीधे से पसीना कितना, आप वो क्रिप्टॉन वाले को पसीना भी नहीं आता यार, वो क्रिप्टॉन का छावा है ना क्या उसका, वो चड्डी ऊपर पहनता है, हाँ वो उसका न्यूटन के साथ कुछ तो लफड़ा चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ है यार, ये चद्दर मुझे निकालनी है। फिर हम लोग ये मैंने स्प्रे लाया है वुड के लिए, तो इसके नीचे जो वुड है मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, इसके नीचे बहुत ज्यादा ऑसम घासूसा खर्चा करके मैंने वुड डाला है, तो वो वुड को हम लोग शाइन करने वाले हैं इस स्प्रे के साथ, तो वो हम लोगों को करना है, उसके बाद हम लोगों को घिसना है, तो 25 मिनट्स हम लोगों को रुकना पड़ेगा जब हम लोग इसको स्प्रे करेंगे, तब हम लोग ये वाली चीजें सब साफ करेंगे। हम काय को सोता इधर इधर नहीं सोने का साहब, ओके तो यहाँ पे मैं सोता है पूरी तरह से, ये किला है, इस किले के अंदर किसी को और कॉल आउट नहीं है बिल्कुल भी आना, यहाँ पे मैं कंफर्टेबली सोता हूँ। ओके यहाँ पे एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये मैं तुम लोगों को कंप्लेंट कर रहा था ना कि ये माइक की वायर इतनी ज्यादा लंबी क्यों है, आज मुझे पता चला वो इतनी लंबी क्यों है, बिकॉज एक्चुअली बहुत ज्यादा यूजफुल है, मुझे वो हाथ से यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारा गिटार है जो धूल खा रहा है पूरी तरह से, मतलब आधा सिक्के छोड़ दिया मैंने, और ये पाउच किसका है पता नहीं, मेरे पापा कहीं से भी पॉकेट मारते हैं यार किसी का भी, तो उनके उन्होंने में भी लाया होगा, ऐसे का हमारा खानदानी बिजनेस है लोगों को लूटना, पॉकेट मारना, मर्डर करना, ये सारी चीजें। सो अगर तुम लोग मुझे रास्ते में मिल रहे हो तो अपना पॉकेट को ऐसे पकड़ के रखना है, तो पता नहीं गायब भी हो सकता है। तो ए डीजे जियो मोबाइल साहब ये देखने लायक है, आ जाओ आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, ये देखने लायक है। मैंने लिटरली मेरा वेबकैम है ना, मैंने सीरियसली मुश्ताश से चिपकाया है यहाँ पे, लुक एट दिस टैलेंट, देख लो बंदे का टैलेंट ही नेक्स्ट लेवल है यार, मैं ही भूल गया था इसको मैंने ऐसे चिपकाया है, वो पुराना हो गया रे बेचारा, बुड्ढा हो गया रे बेचारा, बहुत बहुत अच्छा इंसान था यार, बहुत अच्छा गॉड ऑफर खिलवाया मेरे को, डे गॉड लास्ट ऑफर खिलवाया, वो मेरा जाने मन जाने जिगर है, पर ये पुराना हो गया फेंकू, लुक एट दिस वायर मैनेजमेंट, यस अभी समझे हंसा भाई मेरा मर्डर क्यों करना चाहती है, वैसे हंसा मेरी मम्मी का नाम है। अरे ये ना भाव देना पड़ता है तुम लोगों को, एक्चुअली अच्छा होना है, हाँ माल दिख रहा हूँ माल, निकलना इसका तो क्या ही करूं मैं, देयर वी गो नंगा करो पूरा इसको। तो ये मैंने टेबल बनाया था ऑलमोस्ट 2020 के स्टार्टिंग में, ये सब कुछ मैंने ही यहाँ पे स्क्रू भी लगाया है, तुम लोग देख सकते हो प्रोफेशनलिटी देख रहे हो, ऐसे टेढ़ा सा काट दिया था मैंने ये, तो आई एम डम इंसान, तो ये बहुत ज्यादा खुरदुरा है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर चद्दर रखा था, क्योंकि लॉकडाउन हो गया उसके बाद कोई आना नहीं चाहता था मेरे घर पे, सो दैट्स व्हाई ये सारी चीजें रह गई थी, तो अभी इसको पूरी तरह से क्लीन करना है हम लोगों को, हाँ सो अभी इसको हम लोग स्प्रे करने वाले हैं पूरी तरह से, इसको क्लीन करके स्प्रे करना है, उसके बाद उन्होंने बोला कि 25 मिनट इंटरनेट ऑब्वियसली उन्होंने, मतलब मैं किसी को, तुम लोगों को लगता है कि मैं ह्यूमन कॉन्टेक्ट करने के लिए जाऊंगा बाहर और किसी को पूछूंगा कि कैसे करना है, नहीं यूट्यूब भाई, यूट्यूब पे उन्होंने बोला है एशियन पेंट वालों ने कि इसको पहले से क्लीन करना है, जितना क्लीन कर सकते हैं, क्लीन 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 ये हो गया, और उसके बाद इसको ना स्क्रब करना है, तो मैंने 3-4 ऐसे स्क्रबर लेके आया हूँ मैं, ऐसे ये स्क्रबर बोलते हैं या पता नहीं, इससे घिसते हैं, तो ये सबसे हार्डेस्ट वाला है, ओह लुक एट द स्मूथनेस, ओके तो मुझे इसके साथ ही घिसना पड़ेगा, एक मिनट में काटता हूँ, हार्डकोर सुतार एडिशन, बाप रे इसको मुझे घिसने के, ओके ये मेहनत अलग प्रकार की मेहनत है यहाँ पे,
आई गेस मैंने स्क्रूट कर लिया जितना मैं स्क्रूट कर सकता हूँ, आई होप सो. पर यहाँ पे ये कैसी रेशाई क्यों है मुझे नो आइडिया. बाप रे, दैट वाज डिफिकल्ट. तो अभी इसको मुझे स्प्रे करना है और उसके बाद फिर ये सारे मेस को और ये सारे मेस को और ये सारे मेस को. आए ना तुम लोग को चक्कर आ रहे हैं या फिर कुछ और, पर अभी क्या ही करोगे तुम लोग. लोग जिम में जाते हैं सीरियसली वजन कम करने के लिए, मेरा वजन ऐसे ही कम हो रहा है. अभी तो फैन भी बंद करने वाला हूँ मैं, क्योंकि फैन बंद करना है जब मैं स्प्रे करूंगा. दिस इज सो गुड यार, इसका स्मेल इज नेक्स्ट लेवल ऑसम. मजा ही आ गया. पर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मुझे मास्क लगाना चाहिए. मास्क ये तो एटलीस्ट ये लगा देता है. नहीं डूड, अनफॉर्चुनेटली मेरा दिमाग बड़ा है. ओ माई गुडनेस, ये बड़े दिमाग के बड़े प्रॉब्लम्स यार. अभी मुझे मास्क लेके आना पड़ेगा और मास्क वहां पे बाहर है. उन्होंने पंखा बंद कर दिया है, कैसे मरने वाला हूँ. ये मेरा आखिरी ब्लॉग है. आखिरी ब्लॉग में मैं मोटा दिख रहा हूँ या फिर कुछ और. नहीं नहीं, मैं आखिरी ब्लॉग नहीं है, मैं पतला होएगा फिर आखिरी ब्लॉग करेगा. पर उससे मैंने पहला ब्लॉग तो खत्म करे. लेट्स गो. एक मिनट. मम्मी 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 मीमोरी मीमोरी, वेयर इज माय मीमोरी. माँ तो माँ है बेटा, माँ तो माँ. मैं आ रहा हूँ ना फिल्म में. माँ तो माँ है. माइक का झंझट बाबू भैया, माइक का झंझट. माइक निकल गया. मेरी चिड्डी गिर गई तो क्या मोनेटाइज नहीं होगा ये वीडियो. और मेरी चिड्डी कभी भी गिर सकती है. प्लीज देखना मत, तो यूट्यूब भी नहीं कुछ बोलेगा. This is it, man. Okay, तो according to my प्रद्युम्न दिमाग ये already थोड़ा बहुत अच्छा दिख ही रहा है. पर इसके जितने भी कोट मारने हैं, जितने हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उतना हम लोग कोट मार सकते हैं. और ये स्मेल इज सो गुड मैन. पता नहीं ये सस्ता नशा हो रहा है यहाँ पे मेरे साथ. दिस इज गुड. पता नहीं इसको अभी 25 मिनट्स हम लोगों को ऐसे ही रखना है और उसके बाद सेकेंड लेयर करना है. It's rocket science या फिर कुछ और. मैं अभी फिलहाल गिरे. Let's back to the world. तो इस वाले box के अंदर सब useless चीजें डालनी है. तो मैं भी इस box के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था. Because इस घर के अंदर सबसे ज्यादा useless चीज क्या है? अगर मैं हूँ तो that's why मैं इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था इस box के अंदर. पर मैं घुसा नहीं. मम्मी मेरी मम्मी का बैड लक है कि मैं इसके अंदर जा नहीं सकता है. तो मैं भी यहाँ पे चला जाता. रोना मत बेटा, रोना मत. तो इसकी धूल को भी एज अ यादें हम लोग रखेंगे इसके अंदर. बिकॉज वाई नॉट मैन, हम सच्चे प्रेमी हैं इस. अरे एक हाथ से करना मुश्किल है. तुम लोगों को लग रहा होगा कि मेरे तारे जमीन पे है या फिर कुछ ईशान अवस्थी बन गया मैं. कर दिया था, रुक ना. अरे पैसे का नाम भूलते ही लोग घूम जाते हैं भाई. और ये पजल मैंने पूरा सॉल्व ही नहीं किया डूड. सॉरी मैन. ओह बाय द वे, ये 3D टोकंस मैंने चोरी किया है. यस, ये मैंने चोरी किया है. मैं स्पाइडरमैन देखने गया था और तब मैंने जेब में डाल दिया. ये याद है तुम लोगों को मेरा फर्स्ट माइक्रोफोन. इट इज सुपर डुपर गुड. मैंने ऑलमोस्ट 700 रुपए का 7 साल यूज किया है इसको और ये अभी तक चल सकता है. नो ग्रेविटी, देखा 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 दिस ग्रेविटी साला. ये न्यूटन और हमारे चड्डी पहन के जो फूल खिला है ना, उड़ते रहता है यहाँ वहां से. नॉन सेंस फेको की आइडिया 3G फेको. ये लेयर लगा के आज मेरा वीडियो खत्म नहीं होने वाला. मतलब तुम लोगों के लिए तो आज ही होगा, पर हम लोग को 12 hours कुछ तो रुकना पड़ेगा ये चीज होने के बाद. सो आई गेस अभी वो 12 hours रुकने का समय आ गया. अभी मैं जितनी भी ये चीजें हैं, जितनी भी यहाँ पे जो मैस है उसको क्लीन करता हूँ और उसके बाद मिलते हैं. अभी यहाँ पे कोई आए ना, इसलिए यहाँ पे हमारे वॉचमैन को रखते हैं. वॉचमैन पूरी तरह से काम करना. सो कल मिलते हैं. There we go. Finally, पूरी तरह से पॉलिश इज डन. 12 घंटे ऑलमोस्ट मैंने रखा था. फाइनली अभी एकदम चमकीला हो गया. अभी मैं यहाँ पे सारी चीजें असेंबल करने वाला हूँ. मतलब ये सब कुछ मॉनिटर वगैरह वगैरह और इवन ये भी सारी चीजें जो कुछ भी इसके बारे में बोलने नहीं है. ये आई गेस 30 साल पुराना टीवी है और इसको हम लोग एज अ टेबल यूज कर रहे हैं. सो अगर किसी को डाउट हुआ तो. और यहाँ पे सारा कंप्यूटर आ जाएगा. अभी यहाँ पे बिफोर तुम लोग देख लो, ये है बिफोर.
और afterwards वाला भी आई जाएगा, मतलब अभी कुछ ही, मतलब तुम लोगों के लिए तो एक सेकेंड के लिए मुझे दिन भर, अभी फिलहाल के लिए तो सबसे बड़ा इमरजेंसी आ गया है क्योंकि अचानक से अभी स्मार्टी को पोकेमोन यूनाइट का लाइव स्ट्रीम करना है 3 बजे, अभी बजे है 3:45 पर यहाँ पे मॉनिटर रखना है, एक मॉनिटर, एक कीबोर्ड, एक माउस और दनादन वो लाइव स्ट्रीम खत्म करनी है स्मार्टी के साथ, नहीं तो रो देगा यार, बहुत रोतलू होते जा रहा है वो आजकल। सो वो करना है और उसके बाद पूरा असेंबल भी करना है सारी चीजें। मेरे लिए अभी 6 घंटे लगने वाले हैं ये सारी चीजें करने के लिए, पर तुम लोगों के लिए 1 सेकंड में आया बाबू। So what's up? तो finally, actually आवाज गूंज रही है, इतना ज्यादा क्लीनिंग किया है तुम लोगों ने भाई ने, इतना ज्यादा क्लीनिंग किया है तुम लोगों के भाई ने कि फाइनली इज डन। 2 दिन की मेहनत, पूरे दिन रात भर काम किया है, पर अभी तुम लोगों को बिफोर एंड आफ्टर, मतलब पता नहीं कैसे, पर तुम लोग कंपेयर कर लो पीछे कैसे था और आगे कैसे था। तो ये पिछला हिस्सा जहाँ पे सारी गंदगी थी, अगर तुम लोगों को याद है वो विग वगैरह था, ऑलमोस्ट 24 आवर्स से भी ज्यादा हो गया, तो मेरे लिए ऐसे लग रहा है कि पूरा कितने दिनों के बाद दिख रहा हूँ मैं। बट एनीवे गो, हमारा सब कुछ क्लियर, ये हमारा अवार्ड सुजैन की तरफ से, वो यहाँ पे ही रहेगा, टूटा था ना तो इसलिए मैंने यहाँ पे फायकर का पोस्टर लगाया, उसके बाद यहाँ पे तो अपना बॉय है ही यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर, उसके बाद यहाँ पे भी सारी चीजें क्लीन की है, उसके बाद ये मेरे गेम्स सारे जो अभी फायकर और डीमंस और आने वाला है, स्टे ट्यून फॉर दैट। पर उसके साथ नीचे वायरिंग देखो, पहले तो वायरिंग देखो भाई साहब, मतलब इतनी भी कुछ ऑसम वायरिंग नहीं है, पर स्टिल पहले बहुत ज्यादा गंदी थी नीचे, और यहाँ पे अभी तक गंदगी है जो मैं साफ कर, मतलब यहाँ पे ठीक करूंगा, पर यहाँ पे सारी गंदगी इज गॉन। इवन यहाँ पे जो सारा माल था वो अभी पूरी तरह से ये ना देखो यहाँ पे आ गया है, मतलब खुद क्लीन किया है, मतलब पोछा भी आज ही मैंने खुद लगाया है, आज बिल्कुल भी मम्मी को कुछ भी काम करने को नहीं दिया, मम्मी ने सिर्फ एक ही काम किया है, प्ले स्टेशन का उद्घाटन, वो उसका वीडियो आएगा कल या परसों में, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। पर उसके साथ अभी सेटअप, मतलब कुछ है नहीं, मैं हमेशा वही बोलता हूँ, कुछ ज्यादा कुछ दिखाने लायक है नहीं, पर लुक एट दिस बॉय। सो फाइनली दिस इज यहाँ पे जहाँ पे सारी मनुष्यत होती है, यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक माइनक्राफ्ट खेला जाता है, यहाँ पे अभी फाइनली आ गया है हमारा डीमन सोल, खेला जाएगा जल्दी लाइव स्ट्रीम्स में, और बहुत सारी चीजें इसके बारे में, कोई कुछ नहीं बोलेगा, किसी ने कुछ नहीं देखा वहाँ पे क्या है, और दिस इज सिंपल मैन, अभी पूरी तरह से ये लकड़ी का कितना ऑसमली पॉलिश दिख रहा है, बिकॉज इसके ऊपर बहुत घिसाई की है, बहुत ही ज़्यादा घिसाई, और उसके बाद उसको मैं बहुत ज़्यादा, मैं कपड़ा यूज कर रहा था इतने दिनों से, बिकॉज जब मैंने ये टेबल बनवाया था तब लाइक लॉकडाउन चालू हो गया, फिर उसके बाद सुतार बितार आना बंद हो गए, तब भी मैं एक्चुअली करने वाला था, पर मैं कोमा में चला गया, तो अभी मैं पूरी तरह से फील कर रहा हूँ अच्छे से, इसलिए अभी ऑलमोस्ट 36 आवर्स लगाए मैंने पूरी तरह से इसको क्लीन करने के लिए, तो अभी फाइनली मेरा रूम लाइक किसी इंसान का रूम दिख रहा है, रादर देन किसी मगरमच्छ का या फिर किसी और का नहीं। सो ये मैंने, मैं क्या करूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा दवाई है और ये सारी चीजें, तो मुझे नहीं लगता है क्या ही करूंगा मैं इसका। Look at this boy. मुझे ज्यादा LEDs पसंद नहीं है, आई नो बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे होंगे कि पीसी को थोड़ा सा लाइटिंग बिल्टिंग कर या फिर कुछ और, मेरा पीसी बहुत ज्यादा बकवास है और वैसे भी मुझे ज्यादा लाइटिंग पसंद नहीं, मुझे ऐसे अंधेरे में, इस अंधेरे में मैं हमेशा एडिटिंग करते रहता हूँ रात भर, और इवन मेरे, एक मिनट, मेरे पास दूसरा लाइट भी है। Yes, boy. ये लाइट में भी अच्छा है, This is kind of cool. I know, ये मेरे जिंदगी का पहला व्लॉग था, पर घर में व्लॉग करना was like us थोड़ा सा easy. Let's see, अभी तुमने इसको बहुत ज़्यादा awesomely support किया, तो मैं बाहर जाके व्लॉग करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं बहुत ही ज़्यादा shy boy हूँ यार, मेरे मम्मी पापा ने मेरे को shy पैदा किया है, just like मेरी मम्मी, मतलब मम्मी के बारे में सब कुछ पता चलेगा कल के नेक्स्ट वीडियो में, जो मे बी व्लॉग की तरह ही है पर उसमें बहुत सारी चीज़ें मम्मी से रिलेटेड है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, पूरी तरह से वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, लव यू ऑल, बी ऑसम, स्टे ऑसम, और इनमें से कोई भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मतलब लोगों को ऐसे लगता है कि ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है यूट्यूब के लिए वगैरह, नहीं, यूट्यूब के लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं इन किसी भी चीज़ की, तो लोगों से हौसले और उम्मीद की ज़रूरत है और बहुत ही ज़्यादा परिश्रम की ज़रूरत है, तो वो अगर करते हो थोड़ा सा सुपर डुपर ऑसम, और ये अंधेरे वाला है, सॉरी मैन, आई एम डम इंसान। Bye-bye.